मेरा एक अनुभव बताता हूँ। आप लोग मैंने अभी एक महीने में राम जन्मभूमि में मंदिर बन जाएगा, उसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन 32 साल पहले 32 ईयर्स पहले, जब अभियान बहुत तेजी से चल रहा था, साध्वी ऋतंभरा और साध्वी उमा भारती, इन दोनों का भाषण मैंने सुना। साध्वी ऋतंभरा का भाषण नहीं होता है, मैंने वो उसका भाव प्रकट ही वो कविता जैसा रहता है, कवितामय। वो कविता बोल रही है या भाषण बोल रही है समझ में नहीं आता हमें। तो मुझे साध्वी ऋतंभरा का आज याद आ गया पूरा। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं हिंदी में प्रयास करता हूँ आपसे बात करने के लिए। तेलुगु इंग्लिश आल्सो। और तेलुगु, तेलुगु नहीं, अच्छा इंग्लिश आल्सो। अच्छा तो हिंदी ट्राई करता हूँ, नहीं तो इंग्लिश। आज हम यहाँ पे सनातन हिंदू संघ का कार्यक्रम में हम आए हैं। तो सनातन हिंदू संघ में तीन शब्द है, एक सनातन है, एक हिंदू है और संघ है। हम पीछे से आते, संघ माने एक जुटे हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मान सकते, तो संघ हो गया। या हिंदू माने हम लोग ही हिंदू है, भारत देश के वासी हिंदू है। ये सनातन, इस शब्द को हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि आजकल सनातन के ऊपर आघात चल रहा है, अटैक हो रहा है। सनातन माने कुष्ठ रोगी है, सनातन माने मलेरिया है, डेंगू है। ऐसा एक महीने पहले ही एक निर्वचन दिया, डेफिनेशन। क्या सनातन ऐसा है क्या? व्हाट इज सनातन? सनातन माने अति पुरातन, अति पुरातन। या अति पुरातन माने कितना पुरातन? बहुत पुरातन, लगभग 10,000, 15,000, 20,000 साल से पुरातन, उसको सनातन ऐसा कह सकते हैं। अब हम ऐसा कैसे कहे, तो यहां पे एक बड़ा मंदिर था ऐसा बोले तो कोई तुरंत पूछ क्या आधार क्या है ऐसा पूछेगा, नहीं ये स्तंभ है गिरा हुआ है वो, नहीं तो वो देखो मूर्ति है ऐसा हम दिखाए तो उसको मानते, कोई आधार ही नहीं है। तो फिर हम कैसा मान सकते हैं? नहीं यहाँ पे पुरातन मंदिर था तो हवा में जा रहा है ऐसा बोल सकते। ऐसा ही हम यह भारत के संस्कृति सनातन है, अति पुरातन है, 10,000, 15,000 साल पुरातन है, तो तुरंत प्रश्न पूछते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं पूछा तो वो तो भावुक है ऐसा मान सकते, लेकिन साधारण आदमी जिसका ये चलता रहता है वो पूछता है कि आधार क्या है, सनातन का आधार क्या है? 10,000 साल पुरातन है तो 10,000 साल से ये चल रहा है तो कहीं ना कहीं आधार दिखना चाहिए ना जी। ठीक है अभी तो मैंने इट हैज सबसाइडेड और इट हैज गॉन अंडरग्राउंड और इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, बट देयर मस्ट बी सम एविडेंस समवेयर। Without any evidence, we cannot claim that ours is a Sanatan Sanskriti. We cannot claim. आपको एक विषय बताता हूं, ये सनातनी लोग ओंकार को मानते हैं, ये तो हम सब मानते हैं ओंकार को। क्या आप ये जानते हैं क्या कि मुसलमानों का कुरान
ओंकार से प्रारंभ होता है, हम जानते हैं क्या? कुरान सूरा में लिखा हुआ है, सूरा कुरान का वो जो लिपि नहीं, लिपि इज अरबिक, कुरान का श्लोक होता है ना, श्लोक और सूरा बोलते हैं उसको, सूरा अरबी में सूरा बोलते हैं। उसमें सबसे पहले सूरा तीन अक्षर है। उस सूरा को कुछ व्याख्यान नहीं है, उस सूरा का कुछ अर्थ नहीं है, कमेंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पहला वाला सूरा मुसलमान पूरा विश्व में, हैदराबाद से, हैदराबाद में भी वो पहला वाला सूरा को छोड़कर बाकी सेकंड सूरा से प्रारंभ करते हैं। उसका व्याख्यान है, हदीस है, कोई बाकी सब है। वो पहला वाला सूरा क्या है? अलीफ लाम मीम, ये है, तीन ही अक्षर है, आ ला मा, अरबी में अलीफ लाम मीम बोलते हैं। तो ये किसी ने अपना स्वामी रामतीर्थ ने बताया, वही विषय में आपको बता रहा। तो ये अलीफ लाम मीम क्या है? बोलता तीन अक्षर है, तो इसका अर्थ क्या है? बोला अरबिक ग्रामर, अरबिक ग्रामर के हिसाब से ये जब लाम आ और मा के बीच में आता है तो उसको लाम नहीं बोलते, ला नहीं कहना, उ कहना है। ला जब आ और मा के बीच में आता है अरबी ग्रामर के हिसाब से, तो आलामा नहीं बोलना, ओम बोलना। नहीं, इसका थोड़ा और है। तो मैं यही पॉइंट 2009 में कामारेड्डी में बोल रहा था, तो बगल में कोई एक बोर्ड ऑफ इंटरमीट का एक आरटीओ वो बैठा हुआ था, तो आरआईओ रीजनल इंस्पेक्शन ऑफ आरआईओ बैठा हुआ था। तो बैठने के, मैं बोलने के आने के बाद पूछा उसने, साहब आप क्या बोल रहे? तो मैं ये विषय बताया, तो उसने उसका नाम लिखा, वो मुसलमान था, वो आरआईओ, उसका नाम वो पेपर में लिखा, लिख के हाँ साहब आप करेक्ट बोले, बोला। मैं तो थीरी पढ़ा लेकिन प्रैक्टिकल मालूम नहीं, लेकिन तब उसने बोला मेरा नाम नईम उद्दीन है, लेकिन इधर ला है, लाम या लाम है, लेकिन हम लाम नहीं बोलते, उसको ऊ बोलते, नईम मलदीन लिखते, नईम उद्दीन बोलते, अकबर अलदीन लिखते, अकबर उद्दीन बोलते, असद अलदीन लिखते, असद उद्दीन बोलते, आला मा लिखते है, ओम बोलते है। कुरान ओंकार से प्रारंभ होता है। ये स्वामी रामतीर्थ ने कहा। दूसरा, ये अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया का नाम क्या है? अभी सऊदी अरेबिया है, अंग्रेज में सऊदी अरेबिया ऐसा बोलते हैं। 1500 साल पहले उसका नाम क्या था? तो उसके लिए हम अपने पुस्तक नहीं, वहीं से आया वो पुस्तकों को देखेंगे, बाइबल को देखेंगे। बाइबल, बाइबल में कहा है? राइट, बाइबल में ईसाया में, ईसाया जेनेसिस बोल के चैप्टर्स कहीं है, वो बाइबल में कई चैप्टर्स है, ईसाया एजिकील ये चैप्टर्स में लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया का नाम केदार है। केदार उस समय, अब नहीं, उस समय 1500 साल पहले ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? ओ जीसस चले गया तो एक कन्वर्शन के लिए गए क्रिश्चियंस, तो वहां के लोग अरब लोग माने नहीं, तो एक क्रिश्चियन जो कन्वर्शन के लिए गए, फादर पास्टर कोई गया, उसको गुस्सा आया कि जीसस को मान नहीं रहे मूर्ख, अरे क्या सोच रहे हैं, जीसस को मानते नहीं क्या? ये केदार और एक केदार का युवराजा सब सत्यानाश हो जाएगा, एक केदार केदार विल फॉल इनटू डिमेंसेस, इट विल कोलैप्स। एंड व्हाट इज केदार? सऊदी अरेबिया वास केदार, सऊदी अरेबिया वास केदार, सऊदी अरेबिया में। अब तब नहीं, अब भी हरन बोल के एक गांव है, शमशान एक गांव है, केदार ये जानते हैं,
टर्की जानते हैं ना, टर्की, इस्तांबुल टर्की, टर्की में एक मस्जिद है, वो इस्तांबुल के बीच में है, इस्तांबुल इज द कैपिटल ऑफ टर्की, वो इस्तांबुल के सेंटर में एक एरिया है, वो सेंटर एरिया ऑफ इस्तांबुल इज कॉल्ड शिवा, उसका नाम है शिवा। वो मस्जिद जो है, मैंने अपना मक्का मस्जिद है ना इधर चारनर के पीछे, ऐसा वो शिवा एरिया में एक बड़ा मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है शिवास मॉस्क, मॉस्क ऑफ शिवा, मस्जिद का नाम शिवा, शिवास मॉस्क। आश्चर्य का विषय है वो मस्जिद के बिल्कुल सामने रोड के बीच में एक पत्थर है, ये टेबल उतना साइज का पत्थर है, वो पत्थर कुत्ता जैसा दिखता है, वो कुत्ता नहीं है, तब का नंदी था, उसका वो हॉर्न्स और कान वो टूट गया, लेकिन वो नंदी है, वो नंदी वो शिवा का मस्जिद की ओर देख रहा है। So we can see that the influence of Sanatan Dharma is on the very fact that वो लोग पूजा करते हैं ना, वो पूजा का, वो पूजा को क्या बोलते हैं वो लोग, हाँ पांच बार करते हैं, वो नमः, नमस्कार, नमस्ते, नमस, नमाज, मैंने ऐसा देखे तो सनातन संस्कृति के आधार इस्लाम में दिखता है, अब दिखता है, तब नहीं, अब हम योगा करते हैं, योगा का ताड़ासन, नहीं तो पादहस्तासन, शशांकासन, धनुरासन, धनुरासन नहीं वज्रासन, वज्रासन, ये पूरा दिखता है आपको। एक 4000 साल पहले, मैंने 2000 इयर्स बैक का एक श्लोक पढ़ता हूँ, वहो अलमस समायल यजुर मिनल्ला है तंजिलान फा अनिमो आखियो, कुछ तो भी है लेकिन ये मुसलमान का वो अरबी श्लोक है, ये अरबी श्लोक में साम यजुर ऋग वेदों को वो पहचान कर वो अभ्यास कर रहा है। तो ये श्लोक को हारून उल रशीद बोल के खलीफा था 9th सेंचुरी में, उसको ये श्लोक को उसने गोल्ड गोल्ड प्लेट के ऊपर लिखवा कर, ये हमारा संस्कृति है, ऐसा हारून उल रशीद ने बोला। हारून उल रशीद देन ये हो गया ना। तो ब्रिटिश म्यूजियम में एक सरस्वती का, मैंने सरस्वती एक मूर्ति है, वो मूर्ति हंस एक पक्षी के ऊपर बैठा हुआ, ये क्या है मतलब, नहीं नहीं वो अरेबिया में मिला, वो लोग उधर मूर्तियों को तोड़ते हैं, इसको बचा के ले आए, ये आपका विषय नहीं, लगभग 100 साल से और पुराना, अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है वो सरस्वती, 1400 ईयर्स बैक इन मक्का इटसेल्फ मींस सेक्रेड, मक्का मींस सेक्रेड, मदीना मींस गोल्ड, मेदिनी संस्कृत, मेदिनी मदीना, मखा मक्का। शिव पूजा हो रहा था वहां पे, शिव पूजा, सूर्य पूजा हो रहा था, सूर्य का पूजा, सूर्य का पूजा, अभी भी वो हदीस में इसमें लिखा हुआ है कि मंदिर है, कुछ मंदिर है, मंदिर के चारों ओर 360 मूर्तियों को मोहम्मद ने तोड़ा, ये मोहम्मद ने वहां मक्का जीतने के बाद वहां पे 360 मूर्ति थे, 360 मूर्तियों को तोड़ा, ये इस्लाम का हिस्ट्री है। वो 360 मूर्ति क्या है, अनपढ़ है ये जानता नहीं, लेकिन वो क्या है, इट इज 360 डिग्रीज ऑफ सर्किल, वो सर्किल का 360 डिग्रीज को एक एक डिग्री पर एक एक मूर्ति को लगाकर वहां पे सोलर कैलकुलेशंस ये हो रहा था, लेकिन ये अनपढ़ है, ये तो कैमल हर्डर है,
तो कैमल चलाता है ना उसको, इसलिए वो समझता नहीं, इज नॉट साइंटिफिकली एडवांस्ड और नॉलेजेबल और एजुकेटेड. सो ही वेंट एंड ब्रोक ऑल ऑफ दोस, ही वेंट एंड ब्रोक ऑल ऑफ दोस. ही चेंज्ड देयर कैलेंडर सिस्टम बिकॉज ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लूनर साइकिल, सोलर साइकिल एंड ऑल दैट. सो ही मेड 30 डेज चंद्रमा बेस्ड कैलेंडर. सो रमजान कम्स इन नवंबर इन वन ईयर एंड इट कम्स इन सेप्टेंबर इन अनदर ईयर. सो रमजान कीप्स चेंजिंग द. Hindus were intelligent enough to consolidate and compare and fix solar and lunar calendars. इसलिए संक्रांति से हमको वो रीसेट होता है तो हमको वो काम चलता है, लेकिन उसका हुआ नहीं. आपको एक और अच्छा विषय बताता हूं. आर्यभट्ट आप जानते हैं ना, आर्यभट्ट हाँ जी जीरो. ओ, उसने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत. या सूर्य सिद्धांत में उसने लिखा भूगोल का अध्याय, भूगोल अध्याय. अब देखिए ये 2005 साल पुराना वाला भूगोल अध्याय, ये भूगोल अध्याय 2000 साल से और पुराना है. पता नहीं आर्यभट्ट कब लिखा, लेकिन कम से कम 2000 साल. इसमें वो जीरो वीरो ये पूरा आ गया. तो उसमें उसने बोला कि ये भूमि एक गोल है, बॉल बॉल जैसा है वो अध्याय. द चैप्टर्स नेम इज भूगोल अध्याय, भूगोल है. लेकिन Bible and Quran believe that earth is not globe, earth is flat like this table. ये टेबल जैसा है नहीं, वो भूमि के उधर गए तो क्या होगा अंत तक जाने के बाद, उधर से वो डूब मर के वो गया नहीं, कोई भी गए तो भूमि के अंत से वो नीचे गिर जाएंगे, कहाँ गिरेंगे मालूम नहीं लेकिन गिर जाएंगे, ऐसा था. तो ये आर्यभट्ट ने भूमि का चार, एक बॉल है ना, ये बॉल के चार द्वीपों के बारे में बताया. एक है श्रीलंका, दूसरा है जापान, तीसरा है सिद्धपुरा, चौथा है रोमा. फोर आइलैंड्स अराउंड द वर्ल्ड. तो उसने क्या कहा वो भूगोल सिद्धांत में कि जब श्रीलंका में सूर्योदय होता है तब जापान में अपराह्न माने मध्यान्ह होता है, आफ्टरनून. जब श्रीलंका में सूर्योदय होता है उसी समय सिद्धपुरा में माने साउथ अमेरिका, माने नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सायं समय यहां पे जब सुबह 6 होता है तब शाम 6 हुआ होता, उसी समय रोमक द्वीप रोम माने इटली में अर्धरात्रिस्या, ऐसा उसने कहा. ये आज हमको मालूम है क्योंकि अपने पूरा भारती पूरा देव विश्व भर घूम रहे तो मॉर्निंग और टाइम लगे पूरा हम कैलकुलेट करते. इसका सिग्निफिकेंस क्या है अबे आपको समझाता हूं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मॉर्निंग 6 o'clock. तो हम अब कैलेंडर अभी जो चल रहा है माने 2023 माने जीसस क्राइस्ट पैदा होकर 2023 साल हुआ. ये कैलेंडर कब इंट्रोड्यूस किया, 2000 साल पहले नहीं, 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ. ग्रेगरी बोल के एक पोप था, पोप माने क्रिश्चियंस का, कैथोलिक्स का इंचार्ज. ये पोप ने सोचा ये कैलेंडर से गड़बड़ हो रहा है, वो मुसलमान कैलेंडर से रमजान और ये पूरा इधर उधर हो रहा है, वो क्या करना समझ में नहीं आ रहा, कंसोलिडेट करना. क्योंकि वो जूलियस सीजर आया, जूलियस सीजर आके मेरा महीने में 31 डेज लगा दो बोल दिया. तो अगस्टस सीजर आया, अगस्टस सीजर आके मेरा नाम पे एक महीना लगा, उसमें भी जूलियस से मैं कम क्या, इसलिए आप देखिए जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं. तो साल में तो 360 डेज ही है, तो कहां से निकालना, फरवरी में से निकालो बोले हो तो फरवरी में 2 दिन कम हो गया, क्यों जूलियस और अगस्त को. और उस समय क्या होता था, साल में 10 महीना ही रहते थे, 10 महीना 36 डेज पर मंथ, सम व्हाट सम सिली कैलकुलेशन. तो कैसा होता था, इसलिए आप देखिए मंथ्स भी ऐसा होता था,
सप्ता सप्तम्बर सप्ता माने सेवन ऑक्टा ऑक्टा माने अष्टा ऑक्टा नवा माने नाइन दशा माने टेन दिसंबर से साल खत्म ये पूरा गड़बड़ हो रहा है चलो नया साल निकालो कैसा करना है बोलता सर हमारा नहीं है तो ठीक है वहां से लो कहां से लो हिंदुओं से लो ये हिंदू हिंदू का पंचांग कितना पुराना है कितना पुराना है महाभारत में पंचांग का उपयोग हुआ है वर्णन नहीं उपयोग रामायण में पंचांग का उपयोग हुआ है यह पंचांग कितना पुराना है वेद जितना पुराना है पंचांग उतना ही पुराना है उतना ही पुरातन है क्योंकि पंचांग वेदों का अंग है वेदों में लिखा हुआ है पंचांग हम मानते हैं ना ये महीनों का ये पूरा पंचांग वेदों से लिया हुआ है ये पंचांग को हम फॉलो करो तो बोला ठीक है वहीं से ले लो ठीक है मैंने क्योंकि हमको 360 डेज है ना जी वो पहले जैसा 10 महीने रख सकते ना नहीं बदले 12 महीने को बदले कैलेंडर को क्यों हिंदू लोग करते हैं ना हमको साल में 12 महीना है तो उसी को मान लिया ठीक है महीना में कितने वीक होना चाहिए वीक सप्ताह चार सप्ताह ठीक सप्ताह में कितने क्यों दो सप्ताह नहीं रख सकते क्या वो लोग 15 दिन का एक सप्ताह 15 दिन का दूसरा सप्ताह 30 दिन में महीना खत्म ऐसा कर सकते नहीं तो 10 दिन का तो एक सप्ताह तीन सप्ताह में नहीं ऐसा हुआ नहीं वो लोग सप्ताह का 7 दिन और 7 दिन क्यों सप्ताह में 7 दिन क्यों जी क्योंकि हिंदुओं का 7 दिन है उसी को नकल मारे उसी को तो उसी को नकल मारे सप्ताह को 7 डेज हिंदू इसको भी लिया वो नाम नाम भी देखो नाम हम रविवार कहते हैं रवि को सन बोला सोमवार या हिंदू आसरे ऐसा बोलते तो सन मून मंडे मंगल ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे शनि सैटरडे सैटर्न को सैट बस नाम भी नकल भी वैसा ही किया सब कुछ एज इज लिया आखिर कैलेंडर तैयार हो गया लेकिन डेट कब बदलना डेट आज 10 है ये 10 से 11 कब बदलना कब बदलते नहीं नहीं कब बदलता है जी जी रात 12 बजे को बदलता है क्यों क्यों अभी वो आर्यभट्ट का वो सूर्य सिद्धांत का वो श्लोक याद करना तब पूछा अरे डेट कब नहीं नहीं अब सब वहां से लिया ना चलो ये भी वहीं से ले लो लेकिन गड़बड़ है सर हिंदुओं का तो स्टैंडर्ड है वो प्रामाणिक है क्योंकि सूरज उठते ही वहां पे नया दिन प्रारंभ होता है तो सूरज से सूरज मतलब मॉर्निंग से मॉर्निंग तक एक दिन होता है वो कैलेंडर का अपना भी मुहूर्त वो सुबह का हिसाब से ही चलता है ना प्रातः ठीक है अभी वैसे हम भी ले लेंगे ऐसा कहते हुए जब भारत में सूर्योदय होता है पूरा विश्व पूरा दुनिया में वही समय सूर्योदय मानना पड़ेगा लेकिन हमें तो आधी रात हुआ है सर हाँ आधी रात हुआ तो क्या भारत में सूर्योदय हुआ क्या हाँ हो गया तो बस खत्म रात आधी रात को डेट बदलो इसलिए इंग्लिश कैलेंडर में मिडनाइट को डेट बदलते हैं ताकि वो भारत का सूर्योदय से कोइंसाइड होगा लेकिन अपने मूर्ख अभी थोड़ा अंग्रेजी पढ़ के क्या हुआ वो अंग्रेज वो मिडनाइट को बदल रहे ना वही कैलेंडर को हमने भी अपनाया और हम भी मिडनाइट को ये न्यू ईयर ईव ये पूरा ये अपप्रथा ये आ गया तो ऐसा देखे तो या सो इफ वी सी सनातन धर्म इज ओल्डेस्ट सनातन धर्म इज ग्रेटेस्ट सनातन धर्म इज नॉट ओनली ओल्डेस्ट इट इज लेटेस्ट ऑल्सो इन इंग्लिश कैलेंडर यू डोंट फाइंड इन सूर्य ग्रहण लेकिन अपने पंचांग करता एक साल पहले ही बोलता है उस दिन उस समय को ये टाइम पे सूर्य ग्रहण आता है सो
विद दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सनातन मने अति पुरातन भारतीय हिंदू संस्कृति, लेकिन आज जैसे अपने अपने से पहले भी लोग बताए कि इसके ऊपर आघात हो रहा है, आघात अटैक्स हो रहा है। ये अटैक्स कैसा हो रहा है, अभी देख रहे सनातन के ऊपर हो रहा है, अपने घरों में लड़कियों को भगा के ले जा रहे हैं और लव जिहाद के नाम पे, व्यापार के नाम पे लव जिहाद, थूक जिहाद, अभी क्या क्या जिहाद आ रहा है। तो इसको बचने, इससे बचने के लिए क्या करना है, हम तलवार लेके नहीं तो बंदूक लेके लड़ना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, सिंपल, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले, सबसे पहले हिंदू संगठित होना चाहिए, हिंदू संगठित होना चाहिए। दूसरा, अभी ये H2H बताया ना, आज वो आविष्कार भी हुआ, H2H हिंदुओं से ही खरीदना, अपने खरीददारी हिंदू व्यापारी से ही करना, अपना पैसा एक दूसरा हिंदू के पास जाना, 10 रुपए ज्यादा हुआ बस उसी के पास जाना हिंदुओं को। This is the only way to protect our society, to protect our dharma and to protect our country, and na anya panthaya vidyate, isse aus dusra marg nahi hai। आज मुझे आपसे बात करने के लिए बुलाया है, सो गीतेश जी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पे आकर मुझे पता चला कि गीतेश जी के माता जी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे इतिहास संकलन समिति के वे उपाध्यक्ष है और मैं हैदराबाद का सेक्रेटरी हूँ, इसी हिसाब से भी मैं गीतेश जी के साथ संबंधित हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद आप सभी को, मैं सनातन हिंदू संघ की ओर से अभिनंदन देता हूँ। नमस्कार।